चुनाव के टाइम में अपने पानी, हाँ चुनाव के टाइम में दोनों टाइम पानी आएगी, किसी को बोलने का जरूरत नहीं। तो क्या हम लोग पागल दिख रहे हैं क्या? कितना टाइम हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को भाटापारा वाले लोग को जरूरत नहीं है पानी की। वो तो आए बस बोले कि 10-15 दिन में आ जाएगा, लेकिन इतने सालों से तो आ ही नहीं रहे, तो अब 10-15 दिन में भी क्या होगा क्या नहीं क्या पता। 25 सालों से पानी नहीं आ रहा है और इस टंकी से बाहर वार्डों में जा रहा है पानी, इसी वार्ड में ही नहीं जा पा रहा है। और हमारे मोहल्ला में टंकी बैठा रही, हमारे मोहल्ला में पानी नहीं बैठा, बाहर मोहल्ला में पानी बैठा थे, ओकल वो टंकी हटा को ढाल लेके जा। जब तक का पानी आता है एक बाल्टी दो बाल्टी, उसके बाद तो बंद ही हो जाता है, तो हम लोग को पानी ही नहीं मिलता। ये जो टंकी है नई बनी है, 7 साल हुआ है महज आप बता रहे हैं, और अभी से इस टंकी में छेद, पानी बाहर बह रहा है मगर वार्ड की जनता को नहीं मिल पा रहा है। 1.5 साल से पानी बह रहे हैं। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जिस चीज़ की किल्लत सबसे ज़्यादा होती है वो है पानी। तस्वीर में आप पानी टंकी को देख रहे हैं और टंकी में जो फूटने के कारण पानी बाहर बह रहा है उसको भी देख रहे हैं। ये पानी बर्बाद हो रहा है मगर जिस वार्ड में ये टंकी है उन वार्ड वासियों को इसका पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम वार्ड 13 में मौजूद हैं, यहाँ हमारे पीछे वार्ड वासी मौजूद हैं और पार्षद भी मौजूद है। उनकी यही कंप्लेन है कि हमारे वार्ड में टंकी है मगर हमारे घर में पानी आता है फरीदनगर की पानी टंकी से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। आखिर इस टंकी से क्यों नहीं कनेक्शन जोड़ दिया जाता और पिछले 4 दिनों से इस वार्ड में पानी भी नहीं आ रहा है। ऐसे भीषण गर्मी में अगर पानी ना आए तो किल्लत दिक्कतें कितनी बढ़ जाएगी ये आप खुद सोच सकते हैं। हमारे साथ वार्ड पार्षद मौजूद है, तमाम वार्ड की जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है और समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है, क्या समस्या है आपके वार्ड में अभी? हमारे वार्ड में सिर्फ पानी की समस्या है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। किस प्रकार से, मतलब पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है और इस टंकी से पानी क्यों नहीं आ पा रहा है? 25 सालों से पानी नहीं आ रहा है और इस टंकी से बाहर वार्डों में जा रहा है पानी, इसी वार्ड में ही नहीं जा पा रहा है। कब ये टंकी बनी थी और ये टंकी बनने के बाद यहाँ इसका कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ पाए हैं? आपको बता दूँ ये टंकी को मैंने 7 साल हो गया है और इससे पहले जो भी पार्षद रहे हैं कभी भी, यानी कि 25 सालों से आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी है टैंकर से ही पानी भर रही है और बोरिंग से पानी भर रही है। तो ये महिलाओं ने मेरे घर आए और बोले कि हमको कैसे भी बैठना है, मैं बोला हम पब्लिक आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, जरूर बैठूंगा। पानी की समस्या मेरे वार्ड में कहीं पर भी नहीं आता अभी ये पानी। शहर सरकार आप लोग की है और अधिकतर देखा जाता है कि दूसरे दल के पार्षद जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, यहाँ आपके शहर सरकार है और आपके वार्ड में ही दिक्कत? जब से महापौर नीरज पाल जी बने हैं और हम लोग पार्षद बने हैं तब से लगभग 20% पानी हमारे वार्डों में आना चालू हुआ, पर 80% लोगों के यहाँ अभी भी पानी नहीं आ रहा है। तो महापौर जी से भी बात किए हैं और निगम के अधिकारियों से भी बात किए हैं तो हमको आश्वासन मिला पर काम नहीं हुआ। महापौर जी ने 20% जगह पर पानी लाया, भाटापारा में कई जगह पर पानी आना चालू हुआ, इससे पहले 20 साल से पानी ही नहीं आता था। ये जो टंकी है नई बनी है, 7 साल हुआ है महज आप बता रहे हैं, और अभी से इस टंकी में छेद, पानी बाहर बह रहा है मगर वार्ड की जनता को नहीं मिल पा रहा है। 1.5 साल से पानी बह रहे हैं। 1.5 साल से बह रहा है अभी, बीच में मात्र 2 महीने के लिए ठीक हुआ था, बाकी 1 साल 2 महीना उधर और 3 महीना इधर ही हुआ है। और भी मोहल्ले के लोग हैं, कितनी समस्या होती है आंटी टैंकर से पानी भरते हो? कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है अभी की नहीं, तब हो लो 25-30 साल हो गए परेशानी है। और हमारे मोहल्ला में टंकी बैठा रही, हमारे मोहल्ला में पानी नहीं बैठा, बाहर मोहल्ला में पानी बैठा थे, ओकल वो टंकी हटा को ढाल लेके जाए। जहाँ पानी दे रहे वहाँ टंकी ले जाओ, जहाँ पानी दिया वही टंकी रखे जाए, नहीं तो कल टंकी हटा दे जाए। भाई हमारे तो समस्या ये छे, तो नल कनेक्शन है घर में? नल कनेक्शन है तो क्या काम का है, कोई काम की नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आता। हम लोग को बहुत परेशानी होती है पानी में, हम लोग गर्मी में कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, किसके घर जाएंगे? दूसरे के घर जाएंगे तो 2 बाल्टी से 3 बाल्टी देंगे, हमेशा हम लोग का पूरा पानी थोड़ी ना मिल पाएगा। हम लोग को यही टंकी से पानी चाहिए और यही टंकी से हम लोग को कनेक्शन मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे। जी आप कुछ बता रहे थे, प्रेशर से खुलता ही नहीं है नल, और खुलेगा तो थोड़े टाइम के लिए खुलता है, बंद हो जाता है वो, जब तक का पानी आता है एक बाल्टी दो बाल्टी, उसके बाद तो बंद ही हो जाता है, तो हम लोग को पानी ही नहीं मिलता, घर के पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, पूरी हो ही नहीं पाती है। और एक टाइम भी खोलते हैं तो उसमें भी प्रेशर से खुलता ही नहीं है, प्रेशर से अगर खोलने से भी अगर आप एक टाइम पानी दे रहे हो और फुल प्रेशर में रहे तो पानी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो एक टाइम भी दे रहे हो तो आप पूरा प्रेशर से खोल ही नहीं रहे हो,
पूरा प्रेशर से खोलेंगे तभी तो पूरी पूर्ति होगी ना पानी की। एक बात भी है कि चुनाव के टाइम पे पानी आती है, बाकी टाइम पे हम लोग के मोहल्ले में एक गिलास पानी मुंह तक धोने के लिए, चुनाव के टाइम में अपना पानी, हाँ चुनाव के टाइम पे दोनों टाइम पानी आएगी, किसी को बोलने का जरूरत नहीं। तो क्या हम लोग पागल दिख रहे हैं क्या? कितना टाइम से हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को भाटापारा वाले लोग को जरूरत नहीं है पानी की, बस दूसरे एरिया वाले लोग को जरूरत है। पानी ऐसा बह रहा है लेकिन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा भी पानी। हम लोग सुबह से साढ़े पाँच बजे से यहाँ पे बैठे हैं, अगर नहीं मिल पाएगा पानी तो हम लोग और रोज यहीं पे बैठे रहेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, निगम के अधिकारी आए हुए थे, उनसे क्या चीज़ बात हुआ जी? वो तो आए, बस बोले कि 10-15 दिन में आ जाएगा, लेकिन इतने सालों से तो आ ही नहीं रहे, तो अब 10-15 दिन में भी क्या होगा क्या नहीं क्या पता। पहले भी कभी कोई आया बोला कि भाई अब समस्या दूर? बोलते बस हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। मोहल्ले में भी आते निगम से, कुछ लोग बोरिंग को देख के चले जाते, पाइप लगा देते हैं, फिर कुछ दिन में बाद में भी बोरिंग में पानी आना बंद हो जाता है। आज धरने पे बैठे हैं, अगर आज के बाद भी 10 दिन के बाद भी पानी नहीं आया तो अगला स्टेप क्या होगा? दिन में फिर ऐसे ही बैठेंगे, क्या करेंगे हम लोग? पूरा चक्का पानी नहीं आ रहा है तो चक्का जाम करेंगे हम लोग चौक में। जल ही तो जीवन है भैया, पानी नहीं आएगा तो करेगा? पानी नहीं आएगा तो कौन इंसान? टंकी में बड़े बड़े स्लोगन लिखे रहते हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, मगर जल ही नहीं मिल पा नहीं तो कल ही देख ही रहे हो आप भी कितना वो पानी गिर रहा है। वही अगर मोहल्ले में जाता तो क्या होता? इतना बुरा लग रहा है, क्या बताएं। ये समस्या है वार्ड वासियों की कि ये पानी जो है, ये टंकी इनके वार्ड में स्थित है मगर पानी बर्बाद हो रहा है। जी बताइए। और यहाँ के जो वो क्या बोलते हैं, उनको ऑपरेटर है जो चौहान जी, नाम तो नहीं पता, वो आए देख के चले गए, उनको भी तो रुकना चाहिए ना, वही तो नल खोलते हैं क्या? और आर्य नगर में पूरी बस्ती में पानी ऐसा बह रहा है लेकिन हमारे भाटापारा में क्यों नहीं मिल पा रहा है? और वो अपने मर्जी से कोई भी टाइम में नल खोलता है। आर्य नगर में पूरा पानी बह रहा है, हर जगह में पानी बह रहा है लेकिन हमारे भाटापारा का बहुत इतना दिक्कत है, शुरू से जब से नल लगा हुआ है हम लोग को एक गिलास पानी मिलना मुश्किल हो गया है। और उनको यहाँ पे रहना चाहिए तो ये समस्या है यहाँ पर वार्ड वासियों की कि इनके वार्ड में टंकी है मगर पानी इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो पानी है आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में किस प्रकार से पानी बह रहा है। अभी महापौर नीरज पाल भी यहाँ पहुंचने वाले, पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। देखिए वार्ड 13 में पानी की समस्या लगातार है, ये बात हम लोगों की जानकारी में भी, और हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये टंकी बाद में बनी है, पूर्व में जो टंकी थी फरीदनगर की उससे यहाँ पानी आता था, उसका काम चल रहा है लेकिन गर्मी जितनी तेज अचानक बढ़ गई तो थोड़ा विलंब हुआ जरूर, लेकिन हम लोग अभी उसको कर लेंगे। क्या समझ, अभी फिलहाल तत्काल, अभी तत्काल में हम लोग यहाँ बोर करके जो तुरंत हो सकता है, जो पुराने बोर हैं उसमें मोटर डाल के और जहाँ जरूरत होगी वहाँ नए बोर करके पानी लोगों को पहुँचाएंगे, पानी की समस्या का नहीं आने देंगे, ये पक्की बात है। चलो ठीक है, सुनो ना ये प्रोटोकॉल फिर से करना होगा आपको, आज तो
जी।